चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी बताते चले, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए कर्णदेव कंबोज। बताते चले कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कर्णदेव कंबोज। भूपेन्द्र हुड्डा और उदय भान ने उनको शामिल कराया। बीजेपी और ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे, जहां पार्टी से खासा नाराज चल रहे थे कर्णदेव कंबोज, अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। क्योंकि जब यहां पर पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। खासा पार्टी से नाराज चल रहे थे, और साथ ही आपको बताते चले उन्होंने अपने पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी छोड़ने की बात कही थी। उनकी तरफ से साफ तौर से यह कहा गया था कि जो पुराने नेता है उनको यहां पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, नए नए नेताओं को लाकर टिकट दिया जा रहा है, और इसके साथ ही ऊंचे रसूख वालों को टिकट दिया जा रहा है। जो हम जैसे पुराने नेता है, तजुर्बेवान नेता है, एक्सपीरियंस नेता है, उनको टिकट नहीं दिया गया। खासा नाराज भी चल रहे थे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, कर्णदेव कंबोज ने अब पार्टी छोड़ने का तो पहले ही ऐलान कर दिया था, कांग्रेस का दामन थाम चुके, बीजेपी के पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है और तजुर्बेवान नेता है, उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया। और बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका ये माना जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि नामांकन वो भरे जा चुके हैं। अब स्क्रूटनी का आज दिन था और आज के दिन उन्होंने अपना फैसला लिया है, यानी आज ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं कर्णदेव कंबोज, तो वो कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, गैर जाट की पॉलिटिक्स और उसको लेकर, और उसमें कांग्रेस के साथ अगर वो आए हैं तो कहीं ना कहीं ये फर्क डालेगी ये फैक्टर, ये कहा जा रहा है। साथ ही कंबोज ने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तो हरियाणा में समीकरण बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कर्णदेव कंबोज की कांग्रेस में एंट्री कहीं ना कहीं ऐसे में अहम हो जाती है। जब हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, और उससे पहले लगातार नेता जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि टिकटों के लिए इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण हो चुके हैं, उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्वाइनिंग का सिलसिला नए सिरे से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये एंट्री कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छी एंट्री कही जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो अच्छी एंट्री कही जा रही है कर्णदेव कंबोज को, क्योंकि काफी ज्यादा नाराज थे कर्णदेव कंबोज। और जिस तरह से देखिए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनको मनाने पहुंचे थे और उसके साथ ही उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की गई थी, उस दौरान भी जो नाराजगी थी साफ तौर पर खुलेआम बाहर आई थी, और उस समय देखा गया था कि वो आगे बढ़ गए थे, उनसे मिले भी नहीं थे, तो नाराजगी साफ तौर से देखने को मिल रही थी। देखिए बिल्कुल, और कर्णदेव कंबोज का कांग्रेस में आना कई मायनों में ये खास हो जाता है, और निश्चित तौर पर जो नाराजगी थी उनकी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, तभी बयान किया था, मेरा टिकट कटा है और मैं पार्टी को हराने का काम करूंगा। तब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन ये प्रयास जो है यहाँ पर सिरे नहीं चढ़ पाए, और कहीं ना कहीं अब कर्णदेव कंबोज ने अपना राजनीतिक रूप वो अख्तियार कर लिया और कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर एक बड़ा झटका, क्योंकि वो एक हरियाणा की राजनीति में ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने संगठन में काम किया उसकी मदद से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। और इसीलिए चुनावी टाइमिंग में कहा जाता है कि जब नेता इधर से उधर जाते हैं, भले ही ये कहा जाए कि ये कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि आकर अलग वजह से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक तौर पर नेताओं की इधर से उधर जाने की जो ये कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं इशारा करती है राजनीतिक तौर पर। और इसलिए कांग्रेस इस ये जो ज्वाइनिंग हुई है इसको एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग बता रही है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका कह रही है। तो निश्चित तौर पर इतना कारगर राजनीतिक तौर पर रहेगा दांव, ये आने वाला वक्त क्या करेगा। अब बिल्कुल प्रदीप, और इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि पार्टी कहां पर इस तरह से कमजोर साबित हुई है, कहां पर फेल दिखती हुई बीजेपी नजर आ रही, क्योंकि इतने बड़े वरिष्ठ और पुराने नेता को खोना बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्यों ये अपना जिस तरह से डैमेज हुआ है उसको किस तरह से बीजेपी आगे कंट्रोल करेगी।
देखिए जिस तरीके से जो पहली लिस्ट आई थी और उसके बाद से ही बीजेपी में बगावत का दौर देखने को मिला था और टिकट वितरण के दौरान भी ये स्थिति नहीं बदली, तो ये जरूर है कि बीजेपी ने कोशिश की थी कि ये नाराजगी दूर की जाए। और जिस तरीके से जो यहाँ पर टिकट कटे हैं, पार्टी के पुराने नेता तो वो शांत हो गए, रामविलास शर्मा को भी टिकट नहीं मिला जबकि उन्होंने जो नामांकन भरा था वो टिकट के ऐलान से पहले ही भर दिया था, लेकिन जब नहीं मिला तब उन्होंने नामांकन वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नाराज थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया या फिर दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया। तो करणदेव कांबोज ने भी आज एक बड़ा निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दांव राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छा मौका है कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़े जो बीजेपी से नाराज हैं या पार्टी छोड़कर जा रही हैं। तो आप पार्टी से जुड़ने के बजाय, अन्य दलों की तरफ जाने के बजाय अगर कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी को, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस के लिए तो ये अच्छे संकेत है, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि नामांकन को लेकर ही यहाँ पर उम्मीदवारी को लेकर ही इस्तीफा दिया था और अब नामांकन की तारीख कल खत्म हो चुकी है, उसके बाद आज कांग्रेस का दामन थामना, तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया था और उसके बाद नाराजगी बढ़ी थी, अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली थी प्रदेश भर में, अलग अलग नेताओं ने पार्टी से किनारा किया और उसके बाद अपनी नाराजगी जताई थी और उसके बाद लंबे इंतजार के बाद दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी। ये तमाम परिस्थितियां भांपते हुए कांग्रेस ने भी अपने रुख में बदलाव किया था और उन्होंने भी ऐन वक्त पर अपनी लिस्ट जो प्रमुख नामों के अलावा जो लिस्ट रिलीज की वो बाकी रिलीज किस्तों में की और उसके बाद आखिरी नामांकन के दिन से पहले ही उन्होंने अपने उम्मीदवार सामने किए थे। तो जरूर है कि पार्टी में चुनावी टाइमिंग में नेताओं का इधर उधर जाना राजनीतिक तौर पर ये काफी होता है और संभावना है कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेंगे, प्रचार आगे बढ़ेगा, कुछ नेता भी इधर से उधर पार्टी बदलेंगे। लेकिन अब जरूरी है कि क्योंकि नामांकन खत्म हो चुका है और अब आज स्क्रूटनी का दिन है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो जाएगी कितने उम्मीदवार मैदान में बचते हैं और बागी और जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में जमे रहते हैं वो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा उसको साधने के लिए, नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां जुटी हुई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। बीजेपी प्रयास करेगी कि कांग्रेस से नाराज लोगों को वो अपने दल में शामिल कराकर बड़ा मैसेज दे पाए। करणदेव कांबोज की कांग्रेस में एंट्री हुई है और इसका जवाब देने की बारी अब बीजेपी के पास है। बीजेपी किस नेता को शामिल करेगी, आने वाला वक्त क्या करेगा जी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच बात कर ले तो कई नेता हैं जो खासा नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में भी टिकट वितरण के बाद बगावत देखने को मिले थे और बीजेपी में काफी ज्यादा बगावत देखने को मिली थी पहली सूची के बाद, हालांकि दूसरी और तीसरी सूची में इतने नाम सामने नहीं आए थे। लेकिन अगर हम बड़े बड़े नामों की बात कर ले तो करणदेव कांबोज, जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफे का ऐलान किया था, उसके बाद तरुण चौहान, उसके बाद कई बड़े नेताओं ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, तो बीजेपी अब किस तरह से आगे रूटों को मनाएगी, किस तरह से रोकने का काम करेगी? देखिए बिल्कुल, ये राजनीतिक चुनौती है और ऐसे वक्त जब चुनावी टाइमिंग का बिगुल बजा होता है और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, नेता अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पाला बदलते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल है कि जो पार्टी, जिस पार्टी का नेता टूट रहा है या दूसरी पार्टी को रुख कर रहा है, वो उसको संभालने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, बागी को मनाने के लिए क्या प्रस्ताव देते हैं, इसके अलावा समीकरणों को साधने के लिए क्या वो नया एजेंडा लेकर आते हैं, और इसी पर दार बदार रहता है। लेकिन दूसरी तरफ नेता जो मन बना चुके होते हैं फिर उनको रोक पाना आसान नहीं होता और इसलिए ये संभव है कि इन नेताओं ने अपने राजनीतिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अपना रुख अख्तियार कर लिया है और ऐसे में करणदेव कांबोज ने भी कांग्रेस में जाने का फैसला किया, आज उन्होंने ज्वाइनिंग किया। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।